देखिए, कोई भी आप एड लिखते हैं ना, तो उसके सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो उसका टाइटल होता है। कोई भी एड आप लिखते हैं, एड कॉपी। दूसरा उसका कंटेंट होता है, जिसको आप बॉडी कॉपी कहते हैं। तीसरा आपकी ये होती है ऑफर, यानी कुछ ना कुछ ऑफर ऑफर करने होंगे ना। चौथा आपका आ गया जी आपकी क्लोजिंग, यानी क्लोज यानी जो एक्शन आप उनसे निकालेंगे। क्या वो हो सकता है कि यार यस आप लिखवाएं कमेंट में, हो सकता है आप किसी को फ्री कॉपी दें कि हाँ भाई आप मुझे ये लिख के सेंड करो, मैं आपको फ्री PDF सेंड कर दूंगा। तो ये चार तरीके हैं, चार पार्ट्स हैं बेसिकली एड लिखने का। टाइटल, ठीक है, टाइटल, अब टाइटल को थोड़ा ब्रेक डाउन कर लेते हैं। ठीक है, टाइटल क्या, हम टाइटल में क्या क्या चीजें आती है। देखिए, टाइटल दो चीजों में डिवाइड होता है। टाइटल आपकी होता है एक आईब्रो में, बहुत से अभी स्टूडेंट ने उसको पढ़ा नहीं होगा, काफी ने पढ़ा है। और दूसरा आपकी हेडलाइन है, फिर सब है, हेडलाइन के बाद एक सब भी आती है। आईब्रो क्या है, ये है आईब्रो, शॉर्ट, हे हे लिसन, हे यू, हे क्विक क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आईब्रो है, समझ आ रही है ये? अच्छा, अब आ जाते हैं हेडलाइन की तरफ। हेडलाइन में दो चीजों का, तीन वर्ड्स का बड़ा इस्तेमाल होगा या होता रहेगा उसमें। पहला व्हाई, हाउ, व्हाट, इनका बड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं आप, बड़ा इजीली आप जब करेंगे तो कन्विंसिंग होगी हेडलाइन। हाउ के साथ हाउ टू लगा दें, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम हाउ हाउ से स्टार्ट कर लेते हैं, यानी हाउ जब आप यूज़ करेंगे, हाउ वाली हेडलाइन, तो उसमें आपने एक एक्स देना है, एक आपने वाई देना है, एक आपने जी देना है, जैसे मैंने बताया हुआ है। एक्स जो वो चाहते हैं, वाई वो टाइम फ्रेम होगा, जी जो है जो वो नहीं करना चाहते हैं फिर भी वो ये चाहते हैं। एक्स यानी ये नहीं करना चाहते मगर वो चाहते हैं ये मिल जाए, ठीक है। ये रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हाउ टू शूट योर फर्स्ट वीडियो विदाउट वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट्स इवन इफ यू आर अ बिगनर, ठीक है। तो ये वाई वाई फ्रीलांसर फेल, ठीक है। तो टाइट, अब हेडलाइन लिखने का, अब मोस्टली लोग कहते हैं ना कि सर हम हेडलाइन तो बहुत ही आइडियाज आते हैं मगर हम लिख नहीं पाते, क्योंकि आप राइट डाउन नहीं करते। अगर आप सोचते रहेंगे ना दिमाग में और लिखेंगे नहीं, तो आपको भूल जाएगा कि मैंने क्या सोचा है। अच्छा, बॉडी, बॉडी में क्या आता है, बॉडी में बहुत सी चीजें आती हैं। बॉडी को अगर आप डिफाइन करें, कोई भी बॉडी कॉपी, कोई भी बॉडी कॉपी में क्या आता है। बॉडी कॉपी में सबसे पहले आपकी सब हेडलाइन आती है, यानी ऊपर जो हेडलाइन है उसको कंटिन्यूटी, उसको कंटिन्यू करते वक्त जो आपने ऊपर जो बात की है उसको नीचे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा फियर कि क्या क्या, अब यानी उस हेडलाइन के रिगार्ड्स जो आप कर रहे हैं, अगर नहीं करते तो क्या होता है, लोग क्या कर रहे हैं, क्या मसाइल हैं, फियर्स, आपने फियर डाला, फिर थोड़ा सा और पेन डाला।
अगर वो नहीं करता तो, अगर इसको इस फियर को फिक्स नहीं करता, ठीक है, फिर उसको ये बताना कि अल्टीमेटली आप सोल्यूशन दे सकते हैं उसको, फिर आप कौन हैं, हु आर यू, हु आर के बाद फिर आपकी ऑफर आ गई, ऑफर में आप बुलेट्स यूज करें, कोशिश करें, यहां भी बुलेट्स यूज कर सकते हैं फियर ऑफ पेन में, और देन आपकी क्लोज आ गई, कोई भी जो आप चाह रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी उनसे कराना चाह रहे हैं। सो ये अगर करते वक्त आप डिवाइड कर देना, पहले ये ना सोचे मैं बॉडी कैसे लिखूंगा, पहले सोचे हेडलाइन कैसे आएगी। हेडलाइन आ गई तो आपको ये मिल जाएगी, ये मिल गई तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा फियर डालना है। अच्छा, जब आपको अपना यूनिक सेलिंग पॉइंट पता लग जाता है तो आपको हेडलाइन बनाना बहुत आसान हो जाता है, बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। बेसिकली आपको पेन पॉइंट ही पता लग गया, बेसिकली आपको पेन पॉइंट ही पता लग जाता है, सो हेडलाइन बनाना बहुत इजी हो जाता है, उसमें मुश्किल ही नहीं होती। अच्छा, बहुत से आप लोगों ने, मैं बोलता रहता हूं मगर मैं फिर बोलूंगा कि कभी भी लोग कंटेंट पूरा नहीं पढ़ते, वो स्कैन करते हैं, ऊपर से नीचे देखते हैं, उनमें कुछ पिक्चर या उनकी हेडलाइन जो दिख रहा है जितना कंटेंट, उनमें से कुछ चीजें पसंद आती हैं वो पिक करते हैं। सो अगर आधे से ज्यादा कंटेंट छुपा हुआ जैसे कि एड्स में होता है, वो हेडलाइन पिक करते हैं, ठीक है, और पिक करने के बाद नीचे जाते हैं एंड देन फिर ऊपर आते हैं, फिर स्कैन करते हैं और फिर उनमें से देखते हैं कि क्या चीज उनको अट्रैक्ट कर रही है, अगर कुछ करता है तो फिर वो फर्दर रीड करते हैं। सो इसीलिए बुलेट्स इंपॉर्टेंट होती है, हेडलाइन इंपॉर्टेंट होती है, शॉर्ट सेंटेंसेस इंपॉर्टेंट होते हैं, पिक्चर्स इंपॉर्टेंट होती है। ये सेल्स पेज में जो आप यूज करते हैं, इतना बड़ा सा सेल पेज फड़फड़ा आप देखते हैं, हजारों वर्ड्स का होता है, मगर वो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है इस दुनिया में आजकल के दौर में, पहले भी, आजकल इंटरनेट पर सेल्स पेज चलने, पहले लोग अखबारों में लिखते थे 30-30 पेजों के, 25-25 पेजों के, 10-10 पेजों के सेल्स पेज, ठीक है। अच्छा, अब हेडलाइन का एक और चीज याद रखें, अगर आपने हेडलाइन नहीं लिखा तो इसका मतलब है 100 में से 80 रुपए आपने जाया कर दिए, और हेडलाइन आपका 100% में से 80% ऑफ योर कॉन्टेंट है, वो भी मैं आपको डिफाइन कर देता हूं। वो क्यों? वो इसलिए कि देखें, एक इफेक्टिव हेडलाइन, अगर आपकी यूज अच्छी, आपने अच्छी हेडलाइन नहीं लिखी, आपका यूजर नीचे कंटेंट खोलेगा ही नहीं, सो खोलेगा नहीं, इसका मतलब नीचे जितनी मेहनत की वो जाया, ठीक है, ठीक है। नादिया, अच्छी है ये आपकी, वी क्रिएट ड्रीम्स नॉट अ वेबसाइट, अच्छा है, इसको स्टेप बाय स्टेप आप और भी इसमें चीजें ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, ठीक है। सो इफेक्टिव हेडलाइन क्या है, मैं आपको बता रहा था कि 80% आपने 100 में से अगर अपना पैसा लगाया हुआ है तो 80% आपकी हेडलाइन ठीक नहीं, 80 रुपए जाया, हेडलाइन ठीक नहीं तो 80% आपका कंटेंट जाया, ठीक है। अब जब हेडलाइन लिखनी है तो एक चीज आपने डिफाइन, सबसे पहले इन दो क्वेश्चन का आपने मुझे आंसर करना है, जब भी आप, या अपने आपको आंसर करें, हेडलाइन लिखनी है हु आर यू ट्राइंग टू अट्रैक्ट और व्हाट वुड गेट देयर अटेंशन, किसको अट्रैक्ट करना चाह रहे हो और क्या चीज आपको उनकी अटेंशन उठा के ला के देगी, ठीक है, बात समझ आ रही है। इन दो क्वेश्चंस का आपने आंसर करना है, अगर इन दो क्वेश्चंस का आंसर करके आप हेडलाइन नहीं लिखते तो इसलिए आप लोगों को मसला होता है और इसीलिए आप सफर करते हो, ठीक है। अच्छा, अभी तो मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, मगर चलें, आप में से जितने भी स्टूडेंट्स जो हैं ऑनलाइन है, अराउंड आई थिंक सो, कितना बंदा देख रहा है इस वक्त, 27 बंदा, सो आप इस तरह करें कि हेडलाइन एक लिखें और हेडलाइन हो मेरे ऊपर, ठीक है, हेडलाइन हो मेरे ऊपर और एग्जांपल दें ताकि हम देखें कि
आप लोग क्या लिख सकते हैं, कुछ आइडिया, कोई भी आइडिया शेयर करें। मेरी ट्रेनिंग के बारे में लिखते हैं, पर्सनैलिटी पर लिख दिया, ताकि मैं देख सकूं कि कैसे आप लोग अपने आप के लिए कल को, आप भी तो ब्रांड बनेंगे, कुछ कुछ कर रहे हैं ना आप लोग, तो आप भी कुछ ना कुछ लिखेंगे अपने बारे में, कुछ ना कुछ क्लेम तो करोगे। तो अपने बारे में क्या क्लेम करोगे आप, अपने बारे में क्या टैगलाइन होगी, क्या हेडलाइन होगी जो आपकी लिंक्डइन या आपकी प्रोफाइल या फेसबुक में या आपकी यूट्यूब में होगी या आपकी ब्रोशर्स में होगी, चैट में शेयर करें। ठीक है, फरहान ने 0 to 300 K पर मंथ आफ्टर बैडमिन ट्रेनिंग, ठीक है ये फरहान ने दी है। ठीक है, हेल्पिंग यू अचीविंग ड्रीम्स, ठीक है, हाउ टू बिकम मल्टी मिलियनेयर लाइक सैयद मोहम्मद अहमद, और मैं सुनना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। नादिया आप कुछ दिमाग लाना है अपना, लर्न कॉपी राइटिंग विद मी इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ मिलियनेयर इन 6 months। और जितने स्टूडेंट्स हैं, 27 लोग हैं, कुछ लिखो ताकि वो थोड़ा सा जहन पर जोर डालो ना, थोड़ा सा निकले, प्रैक्टिकल भी हो जाएगी ये प्रेजेंटेशन। यू विल रिग्रेट इफ यू मिस दिस 47% डिस्काउंट, मेंटर हु पुश्ड मी बियॉन्ड लिमिट्स, यू कांट ओनली डू बेटर बट बेस्ट, हाउ आई बिल्ड माई पेरेंट्स ड्रीम हाउस मंथ आफ्टर सैयद ट्रेनिंग। ठीक है, और 27 थिंकिंग, शाबाश, आप सोचे ना दिया, यही तो जोर डालें ना, जहन पर जोर डालें। और मुझे चाहिए, मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू इन 4 months और लेस बाय वर्किंग फ्रॉम होम, पीपल से ट्रेनिंग बट इट्स मास्टर क्लास, 10x योर मनी नाउ और रिग्रेट लेटर, पॉलिश योर स्किल्स विद बैडमिंटन ट्रेनिंग, योर इन्वेस्टमेंट इन ट्रेनिंग इज गोइंग टू गिव यू कंपाउंड इंटरेस्ट, स्काईज आर द लिमिट। और कितना है आके, सारे जितने ऑनलाइन है, if you have a desire to fulfill your dream then join Badman, how I multiply my income 10x to Badman, want to think deep, get training from Badman, roadmap and goal success, let's impact positively on 7 billion people। ठीक है, so basically देखिए ना, अब आप लोगों ने थोड़ा सा अपने जहन पर जोर दिया, कितने आइडियाज निकल रहे हैं, कितने ज्यादा आइडियाज निकल रहे हैं। और नादिया, अब देखें, यही तो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, आप कह रही थी ना कि सर मेरे पास टाइम नहीं है, सो टाइम नहीं निकलता, यही चीज सिखाना चाह रहा हूँ। देखिए, जब आप पर प्रेशर आता है, देयर इज समथिंग यू नीड टू नो फॉर रियल विद बैडमैन कॉपीराइटिंग। ठीक है, चले चले अब आगे जाते हैं, मैं थोड़ी सी एग्जाम्पल्स आपसे प्रैक्टिकली जो इंटरनेट पर है वो शेयर करता हूँ। अच्छा, हेडलाइन अब थोड़ा सा एक और मैं डिफाइन कर दूं, ब्लॉग की हेडलाइंस अलग होती हैं, एड्स की हेडलाइन अलग होती हैं, सेल्स पेज की अलग होती हैं, मगर 90% सिमिलर होती है। ठीक है, सो कुछ एग्जांपल्स मैं शेयर करता हूँ, आप पढ़ें, ये आप यूज भी कर सकते हैं। हाउ टू किल राइटर्स ब्लॉग, यानी जब आपके दिमाग बंद हो जाता है, अक्सर राइटर ब्लॉग बोलते हैं, बेसिकली जब दिमाग बंद हो जाता है, कोई आइडिया नहीं आता, उसको बोलते हैं राइटर ब्लॉग, एंड बिकम अ मास्टर कॉपीराइटर इन ओनली 3 hours a day। ये है हैप्पीनेस हैक, 10 ways टू बी हैप्पियर बैक बाय साइंस। अच्छा, बैक बाय साइंस ये अथॉरिटी ला रहा है, बैक बाय साइंस अथॉरिटी ला रहा है। सो कुछ ऐसी भी हेडलाइंस होती हैं जिसमें अथॉरिटी आप ऐड करते हो, यानी कहीं रिसर्च ने की, किसी बंदे ने की होती है, टीचर, पीएचडी टीचर, यूनिवर्सिटी के टीचर ने, सो वहां आप उसको अथॉरिटी डाल देते हो उस हेडलाइन में, उसको बेसिकली बोलते हैं अथॉरिटी हेडलाइंस। हाउ टू राइट अ कवर लेटर फॉर अ जॉब इन 2020, 12+ examples। अच्छा, ये 12+ example इज लाइक आईब्रो, बहुत से जो डंडे वाली ट्रेनिंग में इनको समझ आई होगी। आईब्रो क्या होता है, इट्स वेरी शॉर्ट, बहुत 2-3 words होते हैं और अटेंशन ग्रैबिंग होती है, जो कि आप एड्स में, सेल्स पेजेस में मोस्टली बहुत यूज करते हैं, प्लस ईमेल की सब्जेक्ट लाइन में होता है, इसको बेसिकली आईब्रो बोलते हैं।
एड्स और सेल्स पेजेस में बहुत ज्यादा है। अच्छा, जो फिटनेस मैगजीन है जो गोरे बहुत पढ़ते हैं उनमें ये आईब्रो बहुत यूज होती है, इसलिए मिलियंस और मिलियंस उनकी सेल होती है। अगर आप उनके कवर पढ़ें, कवर को थोड़ा सा स्कैन करें, 12 लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडियाज यू कैन स्टार्ट फ्रॉम अ लैपटॉप, नो इन्वेंट्री रिक्वायर्ड। आखिर में फिर आईब्रो दी हुई है उसमें, ठीक है। अब अच्छा, हाउ टू राइट अ कवर लेटर फॉर अ जॉब इन 2020। अब यहाँ 20+ एग्जाम्पल को मैं ये कह सकता हूँ, नंबर थर्ड विल ब्लो, नंबर थर्ड या नंबर सेवन विल विल ब्लो योर माइंड। इसमें थोड़ी सी चेंजेस मैंने कर दी, ठीक है। 12 लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडियाज यू कैन स्टार्ट फ्रॉम योर लैप लैप फ्रॉम योर फ्रॉम फ्रॉम अ लैपटॉप। इन्वेस्ट अब अच्छा, ये जो नो इन्वेंट्री रिक्वायर्ड है इसमें मैं बीच में लिख सकता हूँ, लेट मी थिंक, इसमें मैं बीच में लिख सकता हूँ, इन्वेस्ट विच इन्वेस्टर्स नेवर शेयर बिफोर, इन्वेस्टर्स नेवर शेयर बिफोर, नेवर शेयर बिफोर बाय इन्वेस्टर्स, ठीक है। सो इट कैन बी आईब्रो एज वेल। जॉब हंटिंग, हाउ वेल यू कैन आंसर दीज 46 टफेस्ट क्वेश्चंस। अच्छा, इसमें फिर आखिर में मैं एक और एक आईब्रो लिख सकता हूँ इस लास्ट वाली हेडलाइन में, कि नंबर 57 इज मोस्टली आस्क्ड बाय इंटरव्यूअर्स, ये भी हो सकती है। इसे इट कैन बी अ गुड हेडलाइन फॉर अ ब्लॉग। अच्छा, अब मैं आप लोगों से पूछूंगा, इसमें से एक हेडलाइन उठाते हैं हम, ये दूसरी वाली, हैप्पीनेस हैक 10 वेज टू बी हैप्पियर बैक बाय साइंस, या छोड़ें इसको, छोड़ें छोटी सी। अच्छा, या चलिए इसको उठाते हैं, हाउ टू राइट अ कवर लेटर फॉर अ जॉब इन 2020, 12+ एग्जाम्पल। मुझे इसकी एक दो वेरिएशन, एक वेरिएशन दो नहीं, एक वेरिएशन आप लोग अपनी बताएं, जैसे मैंने आपसे शेयर की, चैट में लिखें, एक वेरिएशन आप लोग शेयर करें, कुछ भी ऐड करें, कुछ भी आपको जो लगता है कि इसमें चेंजेस ला सकते हैं वो आप शेयर करें, चैन में बताएं, मैं पढ़ रहा हूं। राइट कवर लेटर इन लेस देन 5 मिनट्स, रिस्पॉन्स गारंटेड। हाँ, बहुत अच्छा राफे ने लिखा है, अच्छा लिखा है। वॉन्ट टू राइट अ बेटर कवर लेटर, ट्वेल्व प्लस टेम्पलेट कवर लेटर इन 2022 दैट विल रियली गेट यू जॉब, ठीक है। इसमें अगर आईब्रो भी आप ऐड कर दें नादिया, क्लियर कवर लेटर टेक्निक दैट विल गेट यू ड्रीम जॉब इन 2022 विद 12+ एग्जाम्पल, ठीक है। राइट इफेक्टिव कवर लेटर फॉर अ जॉब इन 2022, रिजवान ये बहुत जेनेरिक हो गया थोड़ा सा, जैसे वो कहते हैं ना आप मसाला डाल दें इसमें थोड़ा सा, अगर आप डालें, हाउ टू सेव योर मैरिज इन टूडेज इरा। अच्छा, ये ठीक है, ये स्टिक टू योर टॉपिक, की जो टॉपिक है उसी से स्टिक, इसमें रिविजन्स करें। हाउ टू राइट सफोकेटेड कवर लेटर फॉर अ जॉब इन 2022 7+ एग्जाम्पल। राइट एक्शन ड्रिवन कवर लेटर इन जस्ट 5 मिनट्स और लेस, ठीक है। आई कैचिंग कवर लेटर टू सिक्योर अ जॉब, डोंट मेक दिस मिस्टेक्स, डोंट अच्छा डोंट मेक दिस मिस्टेक में आप अगर कोई नंबर आप डालें कि 7 वाली मिस्टेक, 7 नंबर वाली ना डालो, मिस्टेक मत करो, ठीक है। वो थोड़ा बहुत ज्यादा इंगेजिंग हो जाएगी, लोग कहेंगे भाई 7वां कौन सा है। हाउ टू राइट अ क्लियर कवर लेटर विच क्लोज क्लाइंट्स गेट हायर्ड क्विक, गेट हायर्ड इन लेस देन 24 आवर्स, या दानिश आप ये ऐड कर सकते हैं आखिर में, 24 आवर्स। कवर लेटर विच मेक एम्प्लॉयर्स क्रेजी, एम्प्लॉयर्स हाँ ठीक है, थोड़ा सा और थोड़ा सा क्रिस्पी बना दे। राइट अ कवर लेटर दैट नो बिजनेस कैन रिफ्यूज एंड यू गेट आंसर इन लेस देन 24 यस 47 आवर्स या 72 आवर्स, इस तरह आप मैनेज कर सकती हो। और जो 27 लोग हैं देख रहे हैं इस वक्त, शेयर करें ताकि आपका दिमाग चले। कवर लेटर विच कैन गिव यू अपॉर्चुनिटी ऑफ फुल जॉब विद इन 14 आवर्स, थोड़ा सा लंबा हो गया है और थोड़ा सा कंफ्यूज, लंबा नहीं कंफ्यूजिंग हो गया है। हाउ टू स्काई रॉकेट योर डेट बिजनेस,
बेस्ट कवर लेटर फॉर द मोस्ट डिमांडिंग जॉब ऑफ 2022 13 प्रपोजल सीक्रेट्स गेट योर मनी बैक इस ठीक है अच्छा कवर लेटर को ही इंक्लूड रखेगा हाउ टू राइट कवर लेटर दैट बूस्ट योर सेल्स लाइक क्रेजी यू कांट लैंड अ जॉब विदाउट अ परफेक्ट कवर लेटर इसमें जरा आईब्रो अगर थोड़ा सा स्पाइस ऐड कर दें जेनेरिक हो गया तो सी बहुत ज्यादा यानी जेनेरिक मीन जैसे कि कोई कहता है आई वॉन्ट टू अर्न मनी कवर लेटर राइट सिंपल एंड ईजी रीड वेरी सिंपल आरिफ ये थोड़ा बहुत ज्यादा सिंपल ही हो गया ये आईब्रो बेसिकली आयशा अगर आप डंडे वाली ट्रेनिंग में नहीं है तो मैं आपको बताएं आईब्रो क्या होता है आईब्रो इज लाइक योर आईब्रो यानी सबसे पहले ये दिखता है और ये आप ना भी यूज करें तो कोई मसला नहीं हेडलाइन यूज कर सकती है आईब्रो हेडलाइन से पहले आईब्रो आता है आईब्रो हेडलाइन से भी शॉर्ट होती है क्रिसाइज होती है तीन चार वर्ड जैसे अटेंशन फ्रीलांसर्स अटेंशन अपवर्क फ्रीलांसर्स ठीक है इससे क्या अभी आईब्रो है इट कैन बी पैसिव टारगेटिंग योर ऑडियंस समझ आ रही है यू कांट अर्न मनी विदाउट दिस कवर लेटर गारंटीड यू विल नेवर गेट अ जॉब If you miss these cover letter tricks, never shared before, short bracket mein likh de. Learning cover letter for winning job in 1 hour. In just 60 minutes, 1 hour ko agar aap 60 minutes kar dein, to wo zyada jo hai wo thoda sa attract karega. Writing cover letter that get attention of your readers guaranteed. Achha, thoda sa wo guarantee ko thoda sa over change kar dein. Steal my 1 million upward cover letter. Full temporary reveal just for 24 hours ये हो सकता है थोड़ा सा ऐड कर दें आप ठीक है आप समझ आई थोड़ा सा दिमाग खुल रहा है आप लोगों का तो साथ साथ आपकी सेशन भी हो गया थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिकल वो कहते हैं ना जैसे हैंड्स ऑन आप लोग बोलते हैं आजकल एक वर्ड निकला हुआ हैंड्स ऑन सो ये हैंड्स ऑन भी हो जाता है आपका